बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वी आर वेलकम टू स्टडी हब। टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ अकाउंटिंग। एज़ यू नो वी आर कंडक्टिंग द लेक्चर सीरीज ऑफ अकाउंटिंग एंड टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ अकाउंटिंग एंड अवर टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज़ को और क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि लाइबिलिटी क्या होती है और इसकी कितनी क्लासिफिकेशंस हैं। डिफरेंट जो लाइबिलिटीज़ हैं, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, कंटिजेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो आपकी जो लर्निंग आउटकम्स होने वाली हैं इस लेक्चर के बाद, उसमें लाइबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड, करंट, कंटिजेंट एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। अ लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज, यूजुअली अ सम ऑफ मनी। Liabilities are settled over time through the transfer of economic benefits including money, goods or services. Viewers, liability ki definition ko read out karne ke baad we can understand that a liability is something that a person or company owes. Ki agar koi company ya person koi cheez owe karta hai, kuch borrow karta hai, to wo liability ho gayi. Usually a sum of money aur amumi taur par सम ऑफ मनी को हम लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटीज़ आर सेटल्ड ओवर टाइम थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, गुड्स और सर्विसेज। ओवर द टाइम इनको सेटल किया जाता है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, ए कंपनीज ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू अदर पीपल और बिजनेसेस इन द फ्यूचर इज़ कॉल्ड ए लाइबिलिटी। अगर किसी कंपनी ने कोई मनी को बारो किया हुआ है और उसको वो पे करना है इन फ्यूचर में, तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी हमारी। ये थी डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन याद, लाइबिलिटीज़ आर आइटम्स दैट आर ओब्लीगेशन फॉर ए बिजनेस। लाइबिलिटीज़ वो आइटम्स होती हैं जो कि बिज़नेस के लिए ओब्लीगेशंस होती हैं, और ये तो लॉन्ग टर्म भी होती हैं, शॉर्ट टर्म भी लाइबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आगे चल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो ये बिज़नेस ने पे करनी होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं। इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आते हैं व्यूअर्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ एंड देन करंट लाइबिलिटीज़, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ और उसके साथ जो है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ द वीडियो में। सो व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ से। दीज आर लाइबिलिटीज़ विच आर नॉट पेएबल इमीडिएटली और इन द नियर फ्यूचर। दीज लाइबिलिटीज़ आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल और द प्रोप्राइटर आर द एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़। व्यूअर्स, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ दोज लाइबिलिटीज़ होती हैं जो इमीडिएटली, जिनको नियर फ्यूचर में पे नहीं करना होता। दीज लाइबिलिटीज़ आर पेएबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे के बाद जो है ना इन लाइबिलिटीज़ को पे किया जाता है। व्यूअर्स, और लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन मे बी 5 years 10 years, तो उस पर होती है ड्यूरेशन में लोन्स को जो पे करना होता है, तो एक लंबे अरसे के लिए फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसके साथ साथ कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर आर द एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमारे पास आ जाती है करंट लाइबिलिटीज़। These are the liabilities which are payable immediately or in the near future, such as creditors, bank loans, etc. Viewers, current liabilities वो liabilities होती हैं जो कि payable होती हैं immediately और in near future में, जिनको हमने जो है currently या immediate process में या फिर हमने near future में pay करना होता है। इसके हमारे पास examples हैं कि creditors और जो bank loans हैं, या आपने किसी से borrow की है amount जो है creditors से, तो उनको जो है हमने ट्रीट करना है करंट लाइबिलिटीज़ में। उसके साथ साथ अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक से लोन भी व्यूअर्स जो है इमीडिएटली और नियर फ्यूचर में पे करना होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ की। व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमारे पास आती हैं व्यूअर्स, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट।
द इवेंट मे और मे नॉट हैपन, थस अ कंटिजेंट लाइबिलिटी मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन द पेमेंट ऑफ मनी। एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी को। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंटिजेंट एसेट्स क्या होते हैं। कंटिजेंट एसेट्स, वो तमाम हमने एसेट डिस्कस किए थे कि जो हैपनिंग ऑफ इवेंट पे जो अकर होते हैं वो एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह जो है कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट पे होती हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, द इवेंट मे और मे नॉट बी हैपन। तो एक कंडीशन लग गई है कि अगर ये इवेंट हैपन होगा तो हमारे पास जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। एग्जाम्पल्स कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ की, वियर्स लाइबिलिटी ऑन बिल्स, डिस्काउंटेड लाइबिलिटी अंडर गारंटी, एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पेंडिंग सूट। अगर हमारे पास जो पेंडिंग कोई केस चल रहा है, या लाइबिलिटी जो गारंटी के अंडर आती है, बिल डिस्काउंटेड के अंडर आती है, जो एक कंडीशन लग गई है इसके ऊपर कि वो कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ कहलाएंगे वियर्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। दोज लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं व्यूअर्स कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ आर दोज लाइबिलिटीज़ विच अराइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। उसके साथ साथ व्यूअर्स जो हमारे पास नेक्स्ट आती है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ व्यूअर्स वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अनअर्न इनकम आर नोन एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। व्यूअर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न इनकम आर नोन एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। अगर आप आउटस्टैंडिंग हैं हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ इन अनअर्न इनकम है तो उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। सो व्यूअर्स ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने कवर किया, लाइबिलिटीज़ को और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ को हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको जो है लाइबिलिटीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। व्यूअर्स वीडियो को वाइंड अप करने से पहले अगेन रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम आने वाली नई वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँच सकें। व्यूअर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल को, थारोली चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत जल्द इंशाल्लाह अपलोड होने वाली है चैनल के ऊपर। आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको फर्दर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि जो है किसी के बेनिफिट में ये वीडियो ज़रूर आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।